सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल। अभी आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर विद टच सेंसिटिव लैंप की अनबॉक्सिंग। वीडियो में बने रहिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। सो गाइस, ये है हमारा मेन बॉक्स। इस स्पीकर को मैंने अमेज़ोन से अराउंड 440 रुपीज़ में बाय करा है। आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छे से पैक करा गया है। सो ये है हमारा मेन बॉक्स। ये देख गई है स्पीकर की पिक्चर और पीछे दी गई हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा स्पीकर और साथ में ही ऑक्स केबल और एक ट्रेडिशनल यूएसबी केबल। स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये है इसका ऑन ऑफ स्विच, ये है चार्जिंग पोर्ट, ये है ऑक्स पोर्ट, ये है माइक्रो एसडी पोर्ट और ये है यूएसबी पोर्ट। पीछे स्पेस दिया गया है इसे हैंग करने के लिए, आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। ये है हमारा मेन स्पीकर पोर्शन। आप इसका टॉप टच करके इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं और इसे लॉन्ग प्रेस करके इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कलर मोड्स अवेलेबल हैं। सो हमने इसे अपने फ़ोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। आप इसकी साउंड क्वालिटी अच्छे से सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट नाइट में कितनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रही है। सो गाइस, पता नहीं क्यों इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है। सो गाइस, अब हमने इसके अंदर पेन ड्राइव इंसर्ट कर रखी है। स्पीकर की अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। इसकी साउंड क्वालिटी, लाइट इफेक्ट, वॉल्यूम भी अच्छा है। बस इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि इसका माइक्रो एसडी कार्ड वर्क नहीं कर रहा है। इसका वायरिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप इसे बाय करना चाहें तो वहां जाकर बाय कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।